नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। लगातार संसद ठपराने और विपक्ष की घेरेबंदी से परेशान भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों को उन्हीं के हथियार से घेरने का फैसला किया है। विपक्ष के असहयोग रवैये के खिलाफ पार्टी के लोग आज ही के दिन 12 अप्रैल को गांधी जी की प्रतिमा के सामने उपवास किया। इसमें सांसद ने भी भाग लिया और लोगों को बताने का प्रयास किया कि विपक्ष किस तरह सरकार को काम करने से रोकने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक साल बचे हैं। सत्ता पक्ष जहां जनता के बीच पैठ बनाए रखने के लिए वर्ष 2014 में किए गए वादों पर खरा उतरने के लिए बेचैन दिख रही है, तो विपक्ष सरकार की खामियों को उजागर कर सत्ता हथियाने के लिए परेशान है। संसद न चलने के कारण सरकार अपने कई विधेयक पास नहीं कर पा रही है, तो हाल ही में CST के मुद्दे पर सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। इस उपवास के लिए इसलिए कर रही है कि पूरे संसद भवन वो राज्यसभा में विपक्ष पार्टियां पूरे देश की एक होकर पूरे संसद को और राज्यसभा को अपने शोर शराबे से चलने ले दिया। उसको यह था कि आज संसद और राज्यसभा में अगर कानून योजनाएं सरकार की योजनाएं पास हो जाएंगी तो 2019 के लिए हमको घातिक होगा। इसलिए वो बराबर प्रतिदिन 2 बार 4 बार शोर शराबा करती थी, 1 मिनट भी संसद या राज्यसभा को चलने नहीं दिया।